नमस्कार, मेरा नाम है मान। इनबीसीएन न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूं। सीधी बात मान के साथ, 31 मई को जूही चावला ने एक याचिका दायर की थी कोर्ट में और कहा था कि 5G ट्रायल रोक देना चाहिए। लेकिन क्यों? जूही चावला का कहना है कि 5G ट्रायल के साथ इंटरनेट की स्पीड तो बढ़ी जाएगी, लेकिन उसके साथ जो निकलती है रेडिएशन वो 100 गुना बढ़ जाएगी और ये इंसान, जानवर और जितने भी जीव जंतु धरती पर रहते हैं उन सब के लिए घातक साबित हो सकता है। इंसान की स्वास्थ्य को सबसे ज़्यादा हानिकारक वही रेडिएशन है। लेकिन कोर्ट ने ये याचिका सुनी तो सही, लेकिन इसे डिफेक्टिव बताया और कहा ये एक मीडिया पब्लिसिटी स्टंट है। और साथ में कोर्ट ने जूही चावला और उनके साथियों पर 20-20 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। जूही चावला ने अपने स्टेटमेंट में ये भी कहा था कि हमें टेक्नोलॉजी यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि हमें नई नई टेक्नोलॉजी यूज़ करने में बड़ा मज़ा आता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसमें से जो रेडिएशन निकलती है वो इंसान और जानवर और जितने जीव जंतु इस धरती पर रहते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। फिलहाल कोर्ट ने इस केस को डिफेक्टिव बताया, साथ में मीडिया पब्लिसिटी स्टंट बताया और साथ में उन लोगों पर 20-20 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। फिलहाल कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर आपको 5G टेक्नोलॉजी से दिक्कत थी तो आप सीधा कोर्ट क्यों आए, पहले सरकार के पास जाते। मुझे ऐसा लगता है सीधी बात में कि जूही चावला ने सोचा होगा कि कोविड के वक्त बहुत सारे लोगों ने चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर सरकार से बेड्स मांगे, ऑक्सीजन मांगे, नए नए इंजेक्शंस तक मांगे, लेकिन सरकार उन्हें टाइम पर नहीं दे पाई। इसके वजह से जूही चावला को यह भी लग सकता है कि शायद सरकार अब सुनती नहीं हो तो सीधा कोर्ट का रास्ता चुनना चाहिए। लेकिन ये कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने तो सीधा 20 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। अगली बार अगर आपको कोर्ट तक जाना है तो पहले सरकार को आवाज़ दीजिए, बहुत बार चिल्लाइए, बहुत बार चीखिए। अगर सरकार आवाज़ नहीं सुनेगी तब जाके आप कोर्ट में जा सकते हो, नहीं तो आप पर जुर्माना भी लग सकता है। फिलहाल जूही चावला पर और उनके साथियों पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लग चुका है। 5G ट्रायल अब रुकेंगी नहीं, 5G ट्रायल अब हिंदुस्तान में होंगे। और मैं मान यहाँ से लेता हूँ अलविदा, क्योंकि आपको अपने 4G नेट के साथ 5G इंटरनेट का वेट जो करना है, शायद उस रेडिएशन से इंसान की ज़िंदगी को कितना भी खतरा हो या नहीं ये तो हमको नहीं पता, लेकिन हम इंटरनेट ज़रूर यूज़ करेंगे, वो भी 5G वाला। ऐसा ज़रूरी है क्या? मेहमान इनबीसीएन न्यूज़ से।